चुकी, अभी सुबह की पूजा है, उसके बाद शाम की पूजा होगी, हाँ फिर सुबह की पूजा होगी, सुबह मतलब 24 4 बजे। घंटे में 3 बार पूजा होगी है। हाँ 24 में 3 बार नहाना है, 3 बार पूजा करनी राधे है। राधे दोस्तों, तो अभी रात के बज गए हैं 12:30, मतलब 12:30 होने वाले हैं, पर यहाँ पे तैयारी हो रही है हरतालिका तीज की। भाभी का तीज का व्रत होने वाला है, तो यहाँ पे हम सब मेहंदी लगा रहे थे भाभी को, मैं और भैया दोनों मिलके लगा रहे थे भाभी को मेहंदी। तो कमेंट में बताना मेहंदी कैसी लगी है, बस थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी दिखाने की कोशिश किए हैं। तो मिलते हैं सुबह 4 बजे। तो गुड मॉर्निंग गाइस, यहाँ सुबह के 4:30 बज गए हैं और भाभी तो 4 बजे उठ गई थी, बट मैं उठी हूँ 4:30 बजे। और भाभी यहाँ पे अपनी सरगी की तैयारी कर रही हैं, वो खुद ही बना रहे हैं अपनी सरगी को, क्योंकि पहले ये खाएंगे उसके बाद इनका व्रत शुरू होगा। तो ये देखिए इनकी सरगी रेडी है। और यहाँ पे भाभी का साथ देने के लिए लीची भी उठ गई है साथ में ही, वो भी सरगी खा रही है और भाभी को भी खिला रही है। सरगी कर खा लो फटाफट, नहीं 5 बज जा रहे। उसके बाद यहाँ भाभी ने बैठ कर थोड़ा मंदिर में माथा टेका और फिर मैं तो दोबारा सोने चली गई थी। तो ये सुबह का टाइम है, सब काम फिनिश करके हम लोग आ गए थे यहाँ पूजा करने के लिए। तो अभी यहाँ पे जो खाली जगह आप देख रहे हैं, यहाँ पे हम थोड़ा सा डेकोरेट करके शंकर जी का और माँ पार्वती जी का एक छोटा सा स्थान बनाएंगे। तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे मैंने यहाँ पे तैयारी की है सब। और जब तक मैं यहाँ पे सब डेकोरेट कर रही थी, तब तक भाभी यहाँ पे अपना मेकअप भी कर रही थी जल्दी जल्दी, क्योंकि फिर टाइम हो रहा था ज़्यादा। और जब तक भाभी का मेकअप पूरा होता है, तब तक मैं यहाँ पे बाकी की तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने फूलों की माला बनाई है। तो यहाँ पे लगभग मैंने सब तैयारियाँ कर दी हैं, अब बाकी की जो तैयारी है वो भाभी खुद करेंगी। तो चलो भाभी से मिलते हैं। तो यहाँ भाभी फटाफट मेकअप करने में लगी हैं, बिना ब्रश के बिना किसी और चीज़ के, बस जल्दी जल्दी करके ये आ गई हैं यहाँ पूजा करने, और बाकी की तैयारी वो खुद कर रही हैं अब। तो अभी सब तैयारी करके सबसे पहले चलते हैं छत पे और भोले बाबा जी को जल चढ़ा के आते हैं। तो यहाँ भाभी ने सब तैयारी कर ली, और ये छत पे आके ओहो, देखा तो यहाँ पे पानी काफी भर मौसम खराब है। गई। मैं छतरी लेके आती हूँ। Thank you.
भाभी यहाँ पूजा कर रही थी, बारिश भी हो रही थी और यहाँ पे देखिए लीजी ने मेरी छतरी भी छीन ली है। देखिए कितनी मस्ती कर रही थी वो। यहाँ पे इनकी मस्ती ही नहीं ख़त्म हो रही है देखिए। और बाहर हवा तेज़ थी तो इसलिए धूप नहीं जल पा रही थी, तो इसलिए भाभी अंदर चले गए थे धूप जलाने के लिए। तो भाभी भी आ गई हैं, अब बाकी की पूजा हो जाए। भीग भीग के पूजा करो, उसी में तुम महादेव प्रसन्न हो। तो यहाँ पे तो भाभी की पूजा हो गई और बाकी की पूजा नीचे होगी। तो संपूर्ण पूजा विधि देखने के लिए वीडियो में अंत तक आप सब बने रहें, देखते रहें। तो ये देखिए बाहर इतनी बारिश हो रही थी, छत पे जल चढ़ाने गए थे तो सब कुछ भीग गया। अब यहाँ नीचे पूजा कर रहे हैं और हमारी डेकोरेशन देखिए मैंने की है इतनी जल्दी जल्दी। श्रृंगार का सामान हमारी गौरी मैया है ही इतनी प्यारी। व्रत वालों की सेवा करने से अच्छा रहता है ना, व्रत रखने से ज्यादा फल मिलेगा व्रत वालों की सेवा करके। आधा हिस्सा मेरा हो जाएगा। थोड़ा पिघलाना पड़ेगा, ऐसे नहीं लगेगा भाभी। छोटी तो नहीं होगी, जितने फूल थे मैंने सब लगा। दीदी होती तो कितना अच्छा लगता ना, दीदी के बिना सुना सुना है।
लीचिया खेलते खेलते सो गई। जल्दी भी नहीं करा मेरे बच्चे, पानी भी गिर रखी है। तो भाभी आपकी पूजा ये हो गई या अभी और होनी है, मतलब एक बार होगी या दो बार? नहीं अभी तीन दो बार होगी, एक बार हो चुकी, अभी सुबह की पूजा है, उसके बाद शाम की पूजा होगी। हाँ फिर सुबह की पूजा होगी, मतलब 24 घंटे में 3 बार पूजा होगी। हाँ 24 घंटे में 3 बार नहाना है, 3 बार पूजा करना अच्छा। है। हाँ और क्या इसमें किसी टाइम पानी या कुछ खा पी सकते हो? नहीं, ये निर्जल व्रत होता है, सुबह वही सरगी खा के 4 बजे, उसके बाद पूरा दिन निर्जला रहेगा, फिर शाम को पूजा, सुबह पूजा होगा, शाम को पूजा होगा, फिर दूसरे दिन जैसे 24 घंटा पूरा होगा। हाँ, मतलब कल सुबह के 4 बजे, जैसे आज सुबह के 4 बजे खाए हो तो कल सुबह के ही 4 बजे उठेंगे, पहले दान देने वाला सीधा फल अनाज या जो भी चीजें होंगी सब कुछ दान करेंगे, छुएंगे, उसके बाद फिर पूजा करेंगे, माता जी से आशीर्वाद लेंगे, उसके बाद फिर उद्यापन होगा। चलो अच्छा है, बहुत कठिन व्रत है लेकिन सब करते हैं, अच्छा है। और ऐसे ही सबका पूरा भी हो, सबका सुहाग माता रानी गौरा बनाए रखें, सबको आशीर्वाद दे, सबका सुहाग अमर करे माता रानी महारानी। जय माता, ये हरतालिका तीज है ना, गौरी मैया यही रखी थी ना महादेव जी के लिए। हाँ तभी सब करते हैं। भाभी क्या हालत की हो, ये सब कौन हटाएगा, ये सब कौन हटाएगा? मैं ही हटाऊंगी पहले, कभी अभी तो फिलहाल। अरे ट्यूब लाइट क्यों रखी गई? अच्छा ये ना मैंने फोटो शूट के लिए रखा था पर अभी तक लगा नहीं, ये देखो कितने फोटो शूट होते हैं। ओ कैसे बिखेर का बिहाइंड द सीन। तो अब शाम हो गई है और भाभी शाम की पूजा के लिए रेडी हो रहे हैं, वो नहा के आ गए हैं और अब पैरों में आलता लगा रहे हैं। जैसा कि भाभी ने बताया 3 बार पूजा की जाती है, तो सुबह वाली तो हो गई थी, अब ये शाम वाली पूजा हो रही है। और यहाँ पे शाम वाली मेरी और भैया की चाय रेडी हो गई है और भाभी तो पूजा कर रहे हैं, उन्हें तो कुछ खाना पीना नहीं है। आपके भी यहाँ हरतालिका तीज ऐसे ही की जाती है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और आपको व्लॉग कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो भाभी तो अब अगले ही दिन अपना उद्यापन करेंगे व्रत का, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, हर हर महादेव।